मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। अपन 2.1 प्रश्नावली तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। तब इसको हल करेंगे। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq+r, r का मान 0 के बराबर या b से छोटा या 0 से बड़ा होगा, तब b बराबर 6, तो r बराबर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। तब धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q, 0 बोलेंगे तो 6 क्यों हो जाए, जब आप यहां पर a बराबर 6q+1 r की जगह 1 लेंगे तो 6q+1 बन जाएगा, 6q+2 r की जगह 2 लेंगे 6q+2 प्राप्त होगा, या 6q+3 आर के स्थान पर 3 लेंगे तो ये बन जाएगा a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5 होंगे। अब इनमें से ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए कि यहां पर दे रखा है 6q+1, तो इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुलना करवाएं तो यहां पर b का मान कितना होगा, 6 प्राप्त होगा, और r के मान क्या क्या हो सकते हैं, नियम के अनुसार कि r का जो मान होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b का मतलब जिसका अपन भाग दे रहे हैं, भाजक से छोटा होता है, तो b का मान यहां 6 है, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अब आप तब धनात्मक पूर्णांक क्या क्या बनेंगे, a बराबर 6q+0, आपने यहां पर r के स्थान पर 0 लिया, r के स्थान पर 1 लेंगे, r के स्थान पर 2, r के स्थान पर 3, r के स्थान पर 4 और r के स्थान पर 5 लेने के बाद में ये धनात्मक पूर्णांक अपन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6q+2 या 6q+4 सम धनात्मक पूर्णांक हैं, सम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कि ये सम किस तरीके से हैं, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप
क्यू को धनात्मक पूर्णांक किया तो क्यू के स्थान पर आप एक रखेंगे तो छह, क्यू के स्थान पर दो रखेंगे तो छह दुनिका 12। इस तरीके से ये सम धनात्मक पूर्णांक है। अपन ने सम संख्या और विषम संख्या का जब व्यापक रूप मैंने लिखा था कि 2n, 2n plus 2, 2n plus 3, 4, इस तरीके से 4n plus 2 भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, बहुत सारे रूप होंगे। तो यहाँ q के स्थान पर 1 लिखेंगे तो 6 एकम 6 सम संख्या आएगी, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 सम संख्या प्राप्त होगी, 3 रखेंगे 6 तिया 18 सम संख्या आएगी। यहाँ पर भी ऐसे रखकर भी देख लें, इसमें रखें मान लेते हैं कि q की जगह 1 रखा प्लस 2 तो 6 एकम 6 प्लस 2 तो कितने आ गए 8। 8 कैसी संख्या है? सम है। आप मान लीजिए 2 रखेंगे 6 दूनी का 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए 14, 14 कैसी संख्या है? सम। इस तरीके से इसमें भी सम संख्या आएगी। तो ये तो आपके सम धनात्मक पूर्णांक है। और यहां पर 6q+1, 6q+3 या 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, इति सिद्ध। देखिए कि क्यू के स्थान पर एक रखें, सोचो थोड़ी देर के लिए, क्यू की जगह एक रखेंगे प्लस 1 तो 6 एकम 6 प्लस 1 तो कितना रहते हैं 7। तो 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या। आप मान लीजिए 2 रखते हैं 6 दूनी का 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितने आएंगे 13। ऐसे आप चाहे इसमें रखकर देखें चाहे इसमें रखकर भी देखें तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए ये अपन ने दर्शा दिया ये कैसे है विषम धनात्मक पूर्णांक। आपको इस प्रश्न में एग्जाम्पल भी है इसका जैसा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सवाल अपना लिखा हुआ है यहाँ, इसको दर्शाना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इनको दर्शाना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर माना कि एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे उपयोग करके अपन को सवाल को हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर bq+r, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r और b से छोटा। कहने का मतलब जो भी जिस संख्या का भाग लेते हैं शेषफल सदैव उससे छोटा आता है। तो r के मान 1 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो आपके धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे कि r के स्थान पर 1 लेंगे, 0 लेंगे तो 6q, 1 लेंगे तो 6q+1, 2 लेंगे तो 6q+2 और 3 लेंगे तो 6q+3। इस तरीके से आपको ये धनात्मक प्राप्त हो गए। इनमें सम कौन से होंगे और विषम कौन से होंगे तो आपको बताया गया कि सम को अलग कर देंगे विषम को, इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट जो प्रश्न है चौथा प्रश्न देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर है 4, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। निम्न लिखित संख्याओं का संख्याओं के युग्मों का यूक्लिड
सी है, ज्ञात करो। युग्लिड विभाजन विधि से एच सी एफ ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 210 और 55, इसका युग्लिड विभाजन विधि से आपको हल करना है। चौथे का पहला सवाल है देखिए, प्रथम चरण है स्टेप नंबर फर्स्ट, 210 बड़ा है 55 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर अच्छा प्रश्न है। उपयोग करने पर तो देखिए उपयोग किस तरीके से करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आप भाग देना आता है, भाग ही देना है, और भाग आपको पूरा पूरा देना है, ना कोई पॉइंटों में ना कोई दशमलव में, कुछ नहीं देना, पूरा पूरा जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार भाग देंगे, शेषफल बचेगा वो बचता रहेगा। 210 में भाग देंगे 55 का, तो 55 तीन बार जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 15 = 100, 165 घटा देंगे 0 में से 5 के, 10 में से 5 के तो 5, यहां बच गया 10, 10 में से 45। अब आपने भाग की जांच पड़ी हुई शुरू में, इसकी जांच कीजिए कि 210 किस किसके बराबर होगा, इसका इसका तो गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको प्लस करेंगे, और जो आएगा वो इसके क्या हो जाएगा बराबर, वो इसके बराबर। यहाँ पर 210 55 गुणा 3 प्लस 45, ये आपके भाग की जांच हो गई कि ये इसको और इसको गुणा करने पर जो आएगा मान उसमें शेषफल को जोड़ते हैं वो भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए, जो मध्य में जो संख्या है जिसके अंदर भाग देते हैं वो इसके बराबर आनी चाहिए, जब तो आपका भाग सही है अन्यथा गलत है। तो ये आप पहले दूसरे तीसरे में जब आपने शुरुआत में भाग सीखा था तब भी इस विधि का प्रयोग करा था कि भाग अपना सही है या गलत है, यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको उपयोग हो रहा है इसका। आप इसमें ये कार्य आपका कार्य है, आप रात में आरंभ से भाग देकर के और जो स्टेप आया है उस स्टेप को यहां लिख देंगे, 210 बराबर 55 × 3 प्लस शेषफल क्या आ रहा है 0। ये प्रक्रिया कब तक करनी है, लिखेंगे यहां R≠0, R का मतलब होता है शेषफल, शेषफल शून्य नहीं है, 45 आ रहा है शून्य, R≠0 है, तब सेकंड चरण चलेगा, देखेंगे 55 बड़ा है और 45 छोटा है। आप यहां पर अब उपयोग जो करना है वो 55 का और 45 का करना है, भाजक और शेषफल, भागफल को और इसको यही छोड़ देंगे, भाज्य और भागफल को यही छोड़ देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, आपको भाजक और शेषफल इन दोनों का उपयोग करना है। आगे किस तरीके से उपयोग करेंगे, 55 बड़ा है 45 छोटा है, यहां लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर सभी सवालों में लिखने की तरीका ये रहेगा, लिखेंगे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब आप 55 में भाग दीजिए, उसको छोड़िए, आप 55 में भाग देंगे किसका 45, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, तो शेषफल का भाग भाजक में देंगे 45 × 45, शेषफल कितना बच गया 10। अब इसकी जांच कैसे लिखोगे, 55 बराबर
पचपन किसके बराबर आना चाहिए, 45 गुणा 1 प्लस 10, ये किसके बराबर होगा, 55 के। यहां भी शेषफल का मान शून्य नहीं आया है, इसी स्टेप को यहां लिखेंगे 55 बराबर 45 गुणा 1 प्लस 10, यहां लिखेंगे यहां r नॉट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप चलेगा, तीसरे स्टेप में आप उपयोग करेंगे 45 का और 10 का, तो 45 बड़ा है और 10 छोटा है, लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का उपयोग करने पर, ये उपयोग कब तक करेंगे, जब तक शेषफल का मान शून्य नहीं आ जाता, तो 10 का भाग देना है, शेष ये अपना रफ कार्य है, 10 का भाग देंगे 45 में, तो 5 4 बच जाएगा, 10 6 40 के साथ 5, तो क्या लिखोगे, 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस शेषफल में 5। अभी भी अपने शेषफल का मान शून्य नहीं आया है, अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहां r नॉट इक्वल टू 0, तो r 0 के बराबर नहीं है, चौथे स्टेप में पुनः प्रयोग करेंगे 10 और किसको लेंगे 5, 4 को और 45 को छोड़ देते हैं, ये तो यहीं छूट जाएगा, ये बढ़ेंगे आगे भाजक और शेष पर, 5 10 बढ़ा है 5 से, लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर करिए उपयोग, तो क्या आएगा 10 बराबर, अब आप 5 का भाग 10 में देंगे, 5 गुणी 10, शेषफल क्या आ गया 0, तो लिखेंगे 5 गुणा 2 प्लस 0, अब यहां 0 है, यहां R इक्वल टू 0 है, R का मान 0 है, अतः HCF बराबर 5। इस तरीके से आपको हल करना है प्रश्न, तो इस चीज पर ध्यान दें कि इसमें ये स्टेपों को लिखने की मेहनत है, जो चीज अपन ने प्रथम चरण में लिखी वही लास्ट तक आए हैं, आपने यहां पर सबसे पहले बड़ी और छोटी दो संख्याएं हैं, तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, और भाग की जांच जो आएगी उसको यहां पर लिखना है, उसको यहां लिखेंगे, यहां देखिए शेषफल का मान शून्य नहीं है, शेषफल का मान शून्य नहीं है, ये लिखना है कि यहां आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मतलब क्या है, शेषफल, शेषफल का मान शून्य नहीं है, अतः दोबारा पुनः आप किस किस का उपयोग करना है, एक 210 को छोड़ देंगे और भागफल जो है उसको भी छोड़ देंगे, भाजक और शेषफल का ही उपयोग करना है, ठीक है, हर स्टेप में हर सवाल में संख्याएं हैं अलग अलग, सभी में इसी तरीके से उपयोग करेंगे। अब देखिए कि यहाँ अब लिखेंगे क्या, 55 बड़ा है 45 छोटा है, तो पुनः क्योंकि यहाँ कर लिया उपयोग, अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर, तो आप प्रयोग करेंगे इसी तरीके से 45 का भाग 55 में देंगे, ये कार्य आपका रफ कार्य है, कैसा कार्य है, रफ कार्य, ये रफ में करके देख सकते, तो यहां पर ये है, तो इसमें 45 का भाग दे, 45 एक 45 से इस पर में 10 बच गए, अब इसकी जांच करेंगे, तो 55 बराबर किसके होगा, 45 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना 10, अभी भी अपना शेषफल का मान शून्य नहीं है,
फिर लिखेंगे 45 और किसका उपयोग करना है, फिर 10 का उपयोग करना है। तो 45 बड़ा है 10 छोटा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। तो पुनः उपयोग करा तो 45 यहाँ 10 गुणा 4 प्लस 5। फिर भी यहाँ पर शेषफल का मान शून्य नहीं है, इस तरीके से स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए आर बराबर आर नॉट इक्वल टू जीरो, अब पुनः उपयोग किस किस का करेंगे, 10 का और 5 का। शेषफल में 5 है और भाजक का मान कितना है 10। तो यहाँ पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग, ये लाइन फिक्स है आपको, बस लाइन लिखने की मेहनत है। जो भाग दिया आपने 5 का भाग दिया 10 में, 5 गुणी 10 शेषफल का मान 0 आ गया, इसका मतलब सवाल अपना हो गया पूरा, शेषफल 0 आते ही। जिसका भाग देने पर, जिस संख्या का भाग देने पर लास्ट में क्या आ जाए, अंतिम में क्या प्राप्त हो अपन को, शून्य प्राप्त हो, तो वही संख्या जो भाजक का जो मान है 5, वही आपका जो भाजक का जो मान होगा जिसका भाग देने पर शेषफल क्या है 0, वही आपका HCF, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक कहलाता। इस तरीके से आपको उपयोग करना है। आप इसका और सवाल देखिए, अगला सवाल है उन्हें देखो, सभी सवाल एक जैसे हैं, आप घर पर बैठ करके और सवालों को फेर सकते हैं, एक ही तरीके से कैलकुलेशन करनी है। घर पर बैठ करके आराम से भाग दें, रफ में लिखें और मेहनत करें। देखिए सेकंड सवाल है 420 कॉमा 130, यहां पर कोई तरीके से लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप चल रहा है 420 बड़ा है 130 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेयिका का उपयोग करने पर तो देखें 420 में भाग देंगे इसका 130 का, ये रफ का लिया है, आराम से भाग दें 420 में, दो बार भाग, तीन बार भाग चल जाएगा, 0 3 3 9 और 3 1 3 घटा दीजिए 0 12 में से 1 तो 3 30 बच गया, कितना बच गया 30 इस पर बचा। तो यहां पर लिखेंगे 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30, देखेंगे यहां R नॉट इक्वल टू 0 है। तो सेकंड स्टेप में क्या चलेगा कि 130 तो बड़ा है और 30 छोटा है, देखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, केवल वीडियो को नहीं देखें और उसमें सवाल को करके चेक करा करो, साथ के साथ पेन को भी साथ में रखें और उसको करो, जब जाकर के पता चलता है भाग देना आता है नहीं आता सही। तो यहां पर 130 में भाग दीजिए 30 का, 120 चार बार चल जाएगा, 10 शेष पर बचा। तो यहां पर लिख देंगे 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10 शेष पर, यहां आर नॉट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप चलेगा तो 30 तो बड़ा है और 10 छोटा है, क्या लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। ये एक लाइन चल रही है, कोई बार बार से लाइन पलट नहीं रहे, लैंग्वेज लिखने का तरीका एक ही है,
तो आप 10 का भाग देंगे 30 में, यहाँ शून्य आ गया, 10 दिया 30, शेष पर 0, ये आपका रफ कार्य है। तो यहाँ 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस शेष पर 0 लिख देंगे, यहाँ r बराबर 0 है, अतः r बराबर 0 है तो HCF बराबर 10। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल का मान 0 आए वो आपका HCF कहलाता है। तो सभी सवाल इसी तरीके से, लाइन को लिखने की बात नहीं है, ये तो एक लाइन फिक्स है कि आप किसका उपयोग करके हल करना है, यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग करके हल करना है। तो आप इस चीज को फिक्स रखें, बात आगे शेष यहाँ पे जाना है। ये आपके जो लिखने का जो तरीका है वो आपके भाग की जांच है, भाग की जांच है। तो भाग की जांच के अनुसार अपन सवाल को हल करेंगे। देखो अगला सवाल, तो सभी सवाल एक ही तरीके के हैं। आप घर पे पेन कॉपी लेकर के किसी भी संख्या का HCF निकालें और हल करें। तीसरा प्रश्न है 75 और 243, इनका HCF आपको ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में यही चलेगा, 243 बड़ा है 75 छोटा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, शॉर्ट में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, तो आप यहां पर 75 का भाग दीजिए 243 से, तो 75 तीन बार चल जाएगा, 3 से गुणा करके 3 किया 9, 3 जो 12 आंसर ये। और इसकी जांच को 243 बराबर 75 गुणा 3 प्लस 18 लिख देंगे, यहाँ R not equal to 0। सेकेंड स्टेप आपको अब किस किस का प्रयोग करना है, 75 का और 18 का, 75 बड़ा है भाजक और शेष पर 18 छोटा है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, वजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो 75 बराबर 18 गुणा कितने बार भाग जाएगा, अठारह का भाग 75 में देंगे, नहीं कोई पॉइंट में भाग, पॉइंट में भाग नहीं देना है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा कोई भाग देंगे, शेषफल कितना बच गया 3। लिखिए इसकी जांच, प्लस 3 तो यहां लिख देंगे, यहां आर नॉट इक्वल टू 0, शेष फल का मान 0 नहीं है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है अभी शेष फल का मान। तीसरा स्टेप इसमें आप उपयोग करेंगे 18 और 3 का, तो 18 बड़ा है और 3 छोटा है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर
इसका उपयोग करेंगे तो क्या आएगा, 18 बराबर 3 गुना 6 प्लस 0, 6 × 18, 3 का भाग देंगे 18 में, तो 6 × 18 6 बार गया, पूरा पूरा भाग गया, शेषफल 0 आ गया। तो देखिए यहां r बराबर 0 है, तो r बराबर 0 प्राप्त हुआ है, किसका भाग देने पर प्राप्त हुआ है, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो वही उसका HCF कहलाता है। अपन तीन सवाल करे, तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये लाइन लिखने की मेहनत है, ये आपके भाग की जांच है, तो आप ये कार्य रत में करके चेक कर सकते हैं और यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, ये रत कार्य है, ठीक है।